ग्राम सिरसा दोगड़ी में पूर्व प्रधान रामबलि सिंह ने अपने खेतों में केसर की पैदावार कर अनोखी पहल रखी है। देखा जाए तो भारत के चुनिंदा जगहों पर ही केसर की पैदावार होती है। अधिकांश जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में ही केसर की पैदावार अधिक की जाती है। उन जगहों में पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, इन जगहों पर अधिक मात्रा में केसर की पैदावार की जाती है। इनकी गुटकियां अगस्त सितंबर में लगाई जाती हैं और इनका पौधा 20 से 30 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। फिर इस पौधे से गुटिकाएं सुगंधित फूल के रूप में केसर प्राप्त होता है। इनके कई फायदे भी बताए गए हैं। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण और स्वाद लाने के लिए किया जाता है। क्या प्रक्रिया है? लगभग इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? एक बीघा में लगभग ऐसे ही 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। क्या नाम है आपका? रामबली सिंह। किस गांव के निवासी हैं? सिरसा दोगड़ी। इससे पहले किसी पद पे आप रहे हैं क्या? हाँ, प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान जी। आप पूर्व प्रधान जी, ये बताइए कि आपने जो खेती की है, किसकी खेती है ये? केसर की। केसर खेती। ये उपजाऊ खेती के लिए आपने कैसे क्या किया और भी क्या प्रक्रियाएं रही हैं इसमें? बीज लाए। जब आपने इससे पहले विचार बनाया, इसमें तो काफ़ी मेहनत और काफ़ी उपजाऊ खेती के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, कैसे क्या किया फिर आपने? जा मैं धन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ा, बीज महंगा मिला।